जी तो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि YouTube अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस के ऊपर जो स्ट्राइक्स देता था उस सिस्टम को चेंज कर रहा है। पहले ये होता था कि जब आप कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ कोई काम करते थे तो आपके चैनल पे स्ट्राइक आ जाती थी और उसके फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे। लेकिन 25 फरवरी 2019 से YouTube कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस कर रहा है और उसमें अच्छी खबर यह है कि पहली दफा अगर आप कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ काम करते हैं, कोई गलत थंबनेल अपलोड कर देते हैं या डिस्क्रिप्शन में बहुत ज्यादा कीवर्ड्स डाल देते हैं या कोई टाइटल में प्रॉब्लम कर देते हैं, तो सबसे पहले और आपको नहीं पता और गलती से आपसे वो हो जाता है या जिसकी वजह से भी होता है, तो पहली दफा YouTube अब आपको 25 फरवरी के बाद वार्निंग देगा। ये नहीं है कि आपको एकदम स्ट्राइक आ जाएगी और आप जो है वो अपलोड नहीं कर सकेंगे, बल्कि पहली दफा आपको वार्निंग मिलेगी और दूसरी दफा आपको वही आप प्रॉपर गलती करते हैं तो एक स्ट्राइक मिलेगी। जब आपको एक दफा स्ट्राइक मिल जाएगी, चाहे वो आपकी वीडियोस पे हो, लाइव स्ट्रीम्स के ऊपर हो, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स, ठीक है जी, तो फिर आप जो है एक हफ्ते के लिए अपलोड कंटेंट नहीं कर सकेंगे। जब दूसरी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक अगर आपको मिल जाती है तो फिर आप 2 हफ्ते के लिए अपलोड नहीं कर सकेंगे, और अगर आप 3 दफा तीसरी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिलती है तो फिर आपका चैनल भी बंद हो सकता है। यानी कि अब आपके पास 4 गलतियों के चांसेस होंगे और विद इन 90 डेज की मैं बात कर रहा हूँ। शायद 90 डेज के बाद आप फिर से कोई गलती कर दें तो फिर आपको वही स्ट्राइक मिलेगी एक दो, क्योंकि एक दफा जब स्ट्राइक एक्सपायर हो जाती है तो फिर आप 90 डेज के बाद अगर कोई गलती हो जाती है तो फिर आपको फिर से स्ट्राइक मिल सकेगी। और ये साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि ये मैं कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, कॉपीराइट स्ट्राइक्स के बारे में बात नहीं कर रहा। कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक का सिस्टम और जो कॉपीराइट स्ट्राइक्स का सिस्टम है वो डिफरेंट है। कॉपीराइट स्ट्राइक अगर आपके ऊपर पड़ती है तो YouTube बाय लॉ उसको डाउन करने का करना होता है उन्हें, तो फिर वो आप बेसिकली अगर आपको लगता है कि आपने गलती नहीं की या गलत स्ट्राइक है तो फिर आप उसके खिलाफ बेसिकली काउंटर स्ट्राइक कर सकते हैं, काउंटर वो कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है, आपको लगता है कि सिस्टम ने गलत डिटेक्ट किया है और आपको गलत वार्निंग दी है या फिर गलत स्ट्राइक दे दी है, तो भी आप उसको बेसिकली चैलेंज कर सकते हैं। और अगर यूट्यूब देखेगा कि वो वाकई में कोई गलत स्ट्राइक लगी है तो फिर आपको वो स्ट्राइक खत्म हो जाएगी और आपके पास वही वन वार्निंग और 4 3 स्ट्राइक्स का मार्जिन होगा विद इन 90 डेज के अंदर। पहले ये होता था कि जब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स लगती थी तो फिर आप 90 डेज के लिए लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते थे, लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि यूट्यूब ने इस हार्श चीज को भी कम किया है और अब मेरे हाल से 7 डेज के लिए आप लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकेंगे। यूट्यूब ने ये वार्निंग का सिस्टम इसलिए इंट्रोड्यूस किया है कि लेट सपोज मैं नया यूट्यूबर हूँ, मुझे नहीं पता था और मैं चीज़ें अपलोड कर रहा था, थंबनेल अजीबो गरीब से अपलोड कर रहा था या डिस्क्रिप्शन अजीब सी लिख रहा था, कीवर्ड्स डाली जा रहा था या फिर कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस की दूसरी वायलेशन कर रहा था, तो जब मुझे स्ट्राइक मिलेगी तो फिर मैं क्या है उस चीज को एक्सप्लोर करूंगा कि मैं वार्निंग मिलेगी तो मैं उस चीज को एक्सप्लोर करूंगा कि मुझसे गलती क्या हुई है। मैं चीज पढ़ूंगा, यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस को पढ़ूंगा एज अ क्रिएटर, और नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो गलती ना करूं। तो ये उन यूट्यूबर्स के लिए, न्यू यूट्यूबर्स के लिए, यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है जिनको नया जोश शुरू करना चाहते हैं चैनल, जिनको कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में नहीं पता होता। इसके साथ साथ एक्सपर्ट यूजर्स के लिए भी अच्छी खबर है कि कोई गलती हो जाती है तो सबसे पहले आपको वार्निंग मिलेगी बजाय इसके कि आपको स्ट्राइक देके आपके आप लाइव चैनल अपने लाइव स्ट्रीम ना कर सकें या वीडियोस अपलोड ना कर सकें। तो दोस्तों, बजाय इसके मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि बजाय इसके कि आप स्ट्राइक्स का वेट करें या इस चीज का वेट करें, एक अच्छी खबर है आप कोशिश करें कि यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस को जरूर पढ़ लें। लिंक में YouTube के ऑफिशियल कम्युनिटी गाइडलाइंस का जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कुछ वीडियोस के लिंक्स भी दे दूंगा, आप उनको भी पढ़ ले सकते हैं ताकि आप गलतियां ना करें।
क्योंकि चलिए वार्निंग तो बेसिकली वार्निंग की चीज़ आप सिर्फ उस चीज़ के लिए संभाल के रखें कि कोई गलती होती है तो आपको वार्निंग मिल जाए। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में, अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।